दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। सुबह सुबह दुर्घटना की खबर आई है और हम स्पॉट पर हैं। आप लोग देख रहे हैं कार बुरी तरह डैमेज है, बिल्कुल आगे का बम्पर बोनेट सब कुछ डैमेज है, ये देखिए। और इस गाड़ी में देखिए टकराई थी ये कार, इसकी भी हालत दिखा देते हैं। ईंटें वीटें हैं, बिखरी पड़ी हैं। इधर दिखा दो भाई, साइड में ये ईंटें थे, इधर जो है लग गई ये ट्रक। इसका नंबर दिखा देंगे, HR55AM8520। तो इस गाड़ी से लगी है कार और बुरी तरह डैमेज हो गई है। पुलिस यहाँ पर आई है, प्रशासन यहाँ पर आया है। थोड़ा जाम वाम लग रहा है, अब देखते हैं कैसे कार्रवाई होती है और क्या कार्रवाई होती है। ब्रेजा कार है, आप लोग देख रहे हैं एयर बैग भी खुल गए हैं। भयंकर टक्कर हुई है, यही वजह रही कि एयर बैग खुल गया। ड्राइवर ठीक है, इंजर्ड बता रहे हैं, वो लेके चले गए हॉस्पिटल में। अच्छा, लेकर चले गए। ये कोई सुबह 3 या 4 बजे के आसपास की बात लगी। हाँ, खड़ी गाड़ी बता रहे हैं, कैंटर में मारी है इसी ने। इसने मारी पीछे से आके, बिल्कुल जी। अब खड़ी थी पीछे से मारी। बाकी तो देखो इनसे मिलने से ही पता चलेगा क्या मामला है। बिल्कुल, आपको भी नहीं पता, आप तो आए होंगे। जी अभी आए हैं, जी कॉल के ऊपर आए हैं। चलो ठीक है, धन्यवाद आपका। ओके, तो आइए थोड़ा पीछे से दिखाएंगे नंबर वगैरह। आओ हटना भैया थोड़ा, बंद बॉडी में ये नंबर दिखा दो भाई। ब्रेजा कार का HR51CB5882 इसका नंबर है। तो इधर से भी दिखा देंगे, बिल्कुल गेट वेट ही टूट गया है भाई साहब। थोड़ा हटना भैया थोड़ा सा। कोई जानता है आप लोगों में से, कुछ देखा था आप लोगों ने? कुछ देखा नहीं, ड्यूटी का था। अच्छा, ब्लड वगैरह भी बिखरा पड़ा है, इसको ज़्यादा चोट आई मुझे लगता है। ब्लड भी बिखरा पड़ा है। तो थोड़ा सा आप इधर करके ले आओ, इधर ऊपर करके ले आओ। हाँ, कैमरा में अंदर दिखाओ। हाँ, देख रहे हैं बिल्कुल जी, एयर बैग खुला पड़ा है। ये देखिए स्टीयरिंग का एयर बैग है और उधर देखिए पैसेंजर साइज का एयर बैग भी खुला हुआ है। तो बिल्कुल भयंकर दुर्घटना हुई है, ब्रेजा कार है और खिड़की पर ब्लड बिखरा पड़ा है। तो उसको लगता है चोट वगैरह ज़्यादा आई होगी, बाकी भगवान उसकी रक्षा करें। देखिए इधर देखो भाई कैमरामैन, ये टायर भी पंक्चर हो गया है, पहिया भी बिल्कुल डैमेज है, पिचक गया है देखिए। तो भयंकर दुर्घटना आपके सामने है फरीदाबाद NIT 3 में। अब बहुत सारे लोग लोकेशन जानना चाहते हैं, बिल्कुल 3 नंबर पुलिया से थोड़ा आगे बढ़ेंगे मस्जिद की तरफ तो रामवती सदन आता है, उसके जस्ट अपोजिट साइड में ये दुर्घटना हुई है। और बड़ी दुर्घटना है, भयंकर दुर्घटना है। बाकी यहाँ पर कुछ लोग होंगे तो कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करें, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर देखा होगा कि दुर्घटना कैसे हुई। बाकी पुलिस का कहना है कि इस ब्रेजा बारे ने उस गाड़ी में पीछे से टक्कर मारी और ये डैमेज हो गई, घूम गई। तो इस तरह से दुर्घटना यहाँ पर हुई है। आइए थोड़ा उधर आइए, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या बताते हैं। देखा था आप लोगों ने कुछ? अच्छा जी, इस किसकी दुकान है वो शायद रहे हो, आपकी है भैया? कुछ देखा भैया आपने क्या? ये करीब 4-5 बजे की बात है, ये सुबह की बात है, सवेरे की बात है। अच्छा जी, सुबह से कार ऐसे पड़ी है, कोई आया नहीं पुलिस हटाने के लिए? अभी अभी आए पुलिस वाले। इसको तो अब तक हटा लेना चाहिए था, ड्यूटी टाइम हो गया। हाँ बिल्कुल, हाँ जाम तो लगा पड़ा है। अच्छा, उस गाड़ी में पीछे से मार दिया? हाँ पीछे, गाड़ी स्पेट में थी, गाड़ी पीछे मारा है। गाड़ी है किसकी? गाड़ी है ट्रांसपोर्ट वाले की है। अच्छा, हाँ खड़ी थी पीछे से मार। हाँ, ज्यादा चोर तो नहीं आई थी? अब कह नहीं सकते, मेरे ख्याल तो एक के तो शायद मेरे ख्याल समस्या थोड़ी गंभीर है। ब्लड वगैरह तो बिखरा पड़ा है। हाँ जी भैया, अच्छा दो लोग हैं। हाँ, जो जिन्होंने यहाँ से देखा है वो बता रहे हैं कि एक ज़्यादा सीरियस है। अच्छा। और एक में कम चोट लगी है। चोट तो आई होगी। हाँ जी, एक को बता रहे इधर उधर लेके बताओ। हाँ भैया बताओ, शर्माओ मत, क्या देखा था? डरो मत, बताओ क्या देखा था आपने? मैं देखा 3 बजे देखा था। कितने लोग थे गाड़ी में? 2 था। चोट तो ज्यादा नहीं लगी? हल्की लगा था, हल्की लगी थी। अच्छा, ब्लड वगैरह भी बिखरा पड़ा ना इसलिए? पानी वगैरह आपने पिलाया था? पानी मैंने पिलाया। तब से गाड़ी ऐसे ही खड़ी है, पुलिस वुलिस को नहीं बताया आप लोगों ने? कोई नहीं आया रात को, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे ऐसे ही है। तो टाइम लग गया, अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, गाड़ी को हटा लेना चाहिए था। जाम नहीं लगता ना? इन्होंने कर दिया होगा फोन, ये बोला ना, अब आया पुलिस वाले।
थोड़ा लेट हो गए, जल्दी आ जाते गाड़ी को हटा लेते तो अब तक ये जाम नहीं लगता। अब यहाँ पर देखिए जाम लग रहा है, आने जाने में परेशानी हो रही है, ड्यूटी का टाइम है। बाकी दिखाते हैं आपको इस गाड़ी में पीछे से कहाँ से हिट किया है, वो भी आपको दिखाएंगे। इधर साइड से आओ, ये जो कैंटर यहाँ पर खड़ा है इसमें हिट किया है ऐसा बता रहे हैं, तो इसका भी दिखाएंगे स्टेटस पीछे से क्या है। और यहाँ पर ठोका है, यहाँ पर ठोका है। अच्छा, ये भी पीछे से डैमेज है, पीछे से ठोका है यहाँ, और मजबूत गाड़ी होती है उसके बाद भी ये पिचक गई। दिखाओ भाई, बिल्कुल ये पिचक गई है, बिल्कुल मजबूत लोहा होता है, उसके बावजूद भी टक्कर इतनी भयंकर थी कि ये भी पीछे से पिचक गई है। बाकी देखते हैं इस मैटर में क्या कार्रवाई होती है, अभी ये भी नहीं पता चला है कि कार किसकी है, कार वाला कैसे है, तो जो भी जानकारी मिलेगी आपको बताएंगे। नंबर हमने बता ही दिया है, अगर कार वाले कोई अपनी नंबर से पहचान कर सकते हैं अपने परिजनों की, तो ज़रूर पहुँचें अस्पताल में और उनकी मदद करें और गाड़ी को भी हटाने में मदद करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए दुर्घटना हुई है तो जाम लग ही रहा है। और सुबह का टाइम है, लोग ड्यूटी जा रहे हैं और वर्किंग आवर है, तो लोग यहाँ पर जल्दबाजी में निकलने का प्रयास कर रहे हैं और जाम यहाँ पर लग रहा है। तो 3 नंबर फरीदाबाद से हमने आपको लाइव दिखाया है कार की दुर्घटना हुई है, ब्रेजा कार है, उसका नंबर हमने आपको बता दिया है। नमस्कार जी, क्या हाल है? तो थोड़ा जाम लग रहा है इसलिए हमने सोचा कि लाइव दिखाते हैं ताकि पुलिस प्रशासन थोड़ा जल्दी से कार्रवाई करे। बाकी अब पब्लिक लगी है हटाने में ताकि गाड़ी थोड़ा साइड हो जाए तो जाम थोड़ा कम हो जाए। तो पब्लिक देखिए अभी ट्रैफिक रुकवा दिया गया, देखते हैं हाथ से धक्का देकर गाड़ी साइड में होती है कि नहीं, अगर हो जाती है तो अच्छी बात है, थोड़ा सा जाम जो है कम हो जाएगा। और पीछे तो अब पब्लिक अपनी ताकत दिखा रही है, जेसीबी वगैरह यहाँ पर नहीं आ पाई, क्रेन वगैरह नहीं आ पाई है, तो कुछ लोग ताकत दिखा रहे थे लेकिन अभी वापस वो हट लिए हैं क्योंकि गाड़ी में काफ़ी वजन है, तो पब्लिक की ताकत काम नहीं आई। अब यहाँ पर फटाफट क्रेन की ज़रूरत है, जेसीबी की ज़रूरत है, जो आए और कार्रवाई करे, गाड़ी को साइड में हटाया जाए और ट्रैफिक को फिर से बहाल किया जाए, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पर जाम हो रहा है। तो दोस्तों आगे कोई लाइव अपडेट होगी आपको बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।